Hello dear children, beta today we'll discuss with the new method how to change the plural of the word that end with f or fe. Okay, any noun, जिस कोई भी noun है बेटा, अगर उसके end में आपका fe या only f आता है तो उसका singular का जब हम plural बनाते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा, we always drop the f, हम f या fe को drop कर देते हैं. Drop means remove. Okay, we will leave it, हम उस f को हटा देते हैं, ठीक है ना. देन इंस्टेड ऑफ दैट उसके प्लेस पे व्हाट वी विल डू व्हाइल फॉर्मिंग द प्लूरल, तो लाइफ का होता है एल आई लिख के एफ ई को हटा के हमने क्या ऐड कर दिया, वी ई एस, राइट. सो विल एड द वर्ड्स द एंड विद एस या एफ ई और एफ, वी हाउ टू मेक द प्लूरल बाई एडिंग वी ई एस, राइट. शेल्फ, शेल्फ का लास्ट लेटर एफ है, देखिए एफ को हटा के हमने क्या है, वी ई एस, शेल्फ्स. हैव यू सीन हियर, रेस्ट ऑफ द स्पेलिंग विल रिमेन द सेम. वुल्फ, बेटा वुल्फ होता है भेड़िया, एक वुल्फ, तो हम यहाँ पे अगेन लास्ट लेटर इज एफ. सी, लीफ, एक पत्ती, इसको भी हम लीफ कहते हैं, तो एक एफ है ना. थीफ, थीफ में भी लास्ट लेटर इज एफ, अगेन काफ, लास्ट लेटर इज एफ. नाइफ, नाइफ लास्ट लेटर इज एफ ई. वाइफ, लास्ट लेटर इज एफ ई. नाइफ, लाइफ, काफ, ठीक है बेटा. अब इन देखिए आपने इनको लास्ट को रिमूव करके व्हाट वी हैव टू डू वाइल मेकिंग द प्लूरल, हमको प्लूरल बनाते समय उसका एफ को हटाना है और उसके साथ ऐड क्या करना है, साथ में वी है, वुल्फ का हो जाएगा वुल्फ्स. ये वॉल्फ नहीं होता, इट्स वुल्फ, वुल्फ, वुल्फ्स. लीफ, एक पत्ता, वाइल मेकिंग द प्लूरल एल ई ए और वी ई एस हम उसमें ऐड कर देंगे, है ना. वी विल ड्रॉप एफ, ड्रॉप कर देंगे मतलब उसको वहाँ से हटा देंगे. थीफ, एक चोर, और बहुत सारे थीफ्स होंगे तो टी एच आई, ये आ गए एफ को, एफ को हमने हटा दिया और हमने ऐड कर दिया वी ई एस, थीव्स. सी हियर, दिस इज योर काफ, बेबी ऑफ काऊ, जो बछड़ा उसको काफ कहते हैं, ठीक है बेटा. काल्फ नहीं कहते, एलिस साइलेंट. काफ, काफ का हमने एफ को रिमूव किया है और वी हैव एडेड वी ई एस वाइल मेकिंग द प्लूरल. नाइफ, एक चाकू, इसमें एफ ई को हटाया और उसकी जगह हमने वी ई एस. वाइफ, एक पत्नी और वाइफ पत्नियाँ, डब्ल्यू आई वी ई एस, राइट. इन दिस वे वी विल चेंज द वर्ड इन टू प्लूरल द वर्ड विच इज़ एंडिंग विद एफ और एफ ई. जिस भी नाउन के पीछे एफ या एफ ई आता है लास्ट लेटर दोनों, तो उनको हम हटाकर उसका प्लूरल कैसे बनाते बेटा, वी ई एस एड कर, राइट. बट देयर आर सम एक्सेप्शनल केस. एक्सेप्शन बेटा होता है अपवाद. अपवाद मीन्स वट एवर इज़ मेड, जो इंग्लिश ग्रामर में रूल बना, आपको ये वर्ड याद रखने पड़ेंगे, राइट. इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, बिकॉज ऑल, जब भी ये लैंग्वेज बनाई गई तो बेटा इसमें ऑब्जेक्शन सभी पर्सन का सेम एक रिजल्ट में नहीं निकले कंक्लूज, तो उन्होंने बोला जैसा है उसको वैसे का वैसा करके सिंपली एस करके ऐड कर दीजिए, ठीक है. सो द एक्सेप्शन होते हैं ऑब्जेक्शन, ठीक है ना, कि वी हैव टू फॉलो द सेम थिंग एज इट इज़ गिवन, बिकॉज हमने भी यही पढ़ा है, आपको भी इसी तरीके से पढ़ना है, राइट. इसको देर आर सम नाउन्स एंडिंग इन एफ, ठीक है. कुछ नाउन्स है जिसका लास्ट लेटर अभी भी एफ है, बट वाइल मेकिंग द प्लूरल, बट उसका प्लूरल बनाते बेटा हम सिंपली एडिंग एस, उसमें हम एफ को ड्रॉप नहीं करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे बेटा, ओनली सीधा आपको क्या ऐड कर देना है, एस, ठीक है. इसका रीज़न भी बताती हूँ, आप नोटिस करना, एक चीज़ देखना बेटा, इसमें लास्ट लेटर देखिए, दोनों एफ से पहले दोनों वॉवल्स हैं, यहाँ पे भी एफ से पहले जस्ट बिफोर उसके दोनों वॉवल्स हैं, प्रूफ के डबल. तो वी कैन से अगर एफ से पहले जस्ट डबल वॉवल होंगे, ये जस्ट मैंने बोला है, ठीक है ना, इट इज़ नॉट रिटन एनीवेयर, बट अगर आप देखिए ज़्यादातर जो भी अगर एफ से पहले डबल वॉवल्स होते हैं तो फिर हम सिंपली एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं. वी विल नॉट ड्रॉप एफ और ना ही हम उसमें वी एस प्लस करते हैं, ठीक है, टू वॉवल्स, राइट. चीफ, चीफ, प्रूफ, प्रूफ्स, ठीक है. बट देर आर सम नाउन्स जिसका कुछ जिसका लास्ट लेटर एफ होता है या ई एफ होता है, ठीक है ना, एफ होता है, बट उसका प्लूरल में हम एस बी एड कर सकते हैं और वी एस, मीन्स वी कैन टेक, जो मैंने आपको यहाँ पे वी ई एस वाला बताया था उसका भी रूल साथ में ले सकते हैं और एस वाला भी, राइट. इसका सी, ड्रॉफ, ड्रॉफ होते हैं लिटिल मैन, है ना, बोने जिनको कहा जाता है लिटिल मैन, तो उनका हो जाता है ड्रॉफ का, एस करोगे तो भी ठीक है और इसमें अगर वी ई एस ऐड करोगे तो भी ठीक है, एफ को ड्रॉप करके. तो ड्रॉफ का ड्रॉफ्स भी हो सकता है और ड्रॉफ्स भी हो सकता है. हैंकरचीफ होता है आपका हैंकी, जिसको आप रूमाल कहते हो बेटा, ओके. उसका करेक्ट कंप्लीट नेम है हैंकर, हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ होता है आपका रुमाल, ठीक है. तो इसमें भी ऐसी कसर लास्ट लेटर एफ है, बट इसको भी आप प्लूरल कैसे बना सकते हैं बेटा, इसमें एस ऐड करके भी प्लूरल बना सकते हैं या फिर हम एफ को ड्रॉप करके भी ई एस पी ऐड कर सकते हैं. सो आई एम आर टेलिंग दिस थिंग, इन दोनों नाउन्स में कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं बेटा जिसमें जो लास्ट लेटर एफ होता है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है.
उनका लास्ट लेटर अगर एफ बी है तो उसमें ओनली हम एस जोड़ के भी प्लूरल बना सकते हैं या वी ई एस जोड़ के भी उसका प्लूरल बना सकते हैं. जिस लाइक हूफ, हूफ होते हैं खुर, जो एनिमल्स के नीचे का पार्ट होता है फुट, जैसे हमारे फुट होते हैं उनका नीचे का जो पार्ट होता है उसको हूफ कहते हैं. हूफ होता है आपका खुर, ठीक है ना. तो ये हूफ भी हो सकता है, हूफ्स भी हो सकता है. एफ को हम ड्रॉप भी कर सकते हैं तो वी ई एस, नहीं तो आप एस जोड़कर भी उसका प्लूरल, बोथ विल बी करेक्टेड. ओके, आप एस भी जोड़ोगे तो भी करेक्ट है और वी ई एफ को ड्रॉप करके वी एस करोगे इन वर्ड्स में, ये थ्री हूफ ड्रॉपर, तो दैट विल ऑल्सो भी करेक्ट. इस चीज़ में नोटिस रखना बेटा, ये जो मैंने आपको स्पेशल बताया कि अगर एफ से पहले डबल वॉवल होते हैं एक साथ, कि वो आई डबल वाले में डबल ओ हो या आई ई हो, ज़रूरी नहीं है वो रिपीटेड ही हो, सेम वो बदल के भी आ सकते हैं. जैसे आई ई है इसमें डबल ओ है, तो हम उसमें सिंपली एस ई एड करेंगे, वी ई एस नहीं करेंगे. राइट बेटा, नाउ कम हियर, कम टू द नेक्स्ट रूल. देर आर सम नाउन्स एंडिंग इन ओ, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसका लास्ट लेटर क्या होगा बेटा, ओ. जी ठीक है, जस्ट लाइक वीडियो का ओ, रेडियो का ओ एंड फोटो का ओ. सो वॉट वी विल डू, हाउ टू मेक द प्लूरल, वी विल जस्ट एड एस, उसमें हम एड प्लस करेंगे. ओनली क्या एड करेंगे बेटा, एड मतलब प्लस करेंगे एस, आपको ओनली एस जोड़ना है. ठीक है, जैसे किलो, किलो का किलोज, पियानो, पियानो इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पियानोज, जू चिड़ियाघर तो इसका जूज हो जाएगा. ठीक है, वीडियो, वीडियो का हो जाएगा वीडियोस, ईओएस, ठीक है ना, वो तो है ही एस. फोटो का फोटोज, हैव यू सीन, यहाँ पे हमने ओनली एस जोड़ा है. बट अगेन सम एक्सेप्शनल केस आर ऑल्सो देयर, जैसा हमने एफ में रूल में कुछ एक्सेप्शनल पढ़े थे, इसमें भी सम वर्ड्स आर देयर जिनका सेम रूल एफ के तरीके से भी चलता है, जो भी नाउन एफ के से एंड होता है ऐसे ओ के साथ भी होता है. ठीक है, कहीं किसी के साथ वो एस भी लगता है, कभी वो ई एस भी लगता है. सी हाउएवर इन द केस ऑफ सम नाउन्स, कुछ नाउन्स एंडिंग इन ओ, लेकिन कुछ नाउन्स में ऐसा भी होता है जिसका लास्ट लेटर ओ तो होता है, बट वी गेट द प्लूरल बाय एडिंग ई एस, उसके अंदर हम ई एस जोड़ के सिंगुलर में उसका प्लूरल बनाते हैं. जैसे बफलो, एक बफलो है तो बफलोज, भैंस जिसको कहते हैं, एल ओ ई एस, बफलोज नहीं बफलोज, ये आवाज़ खिंच जाती है. हीरो का हीरोज, हीरोज नहीं, एस जोड़ेंगे तो जल्दी से आवाज़ है, हीरोज नो, हीरोज. पोटैटो, पोटैटोज. बैम्बू, जो बांस होता है उसको बैम्बू कहते हैं बेटा, ठीक है, इसको कहेंगे बैम्बूज, बम्बूज नहीं, जल्दी से नहीं बोलेंगे, बैम्बूज, ई एस सॉरी. ठीक है, नेक्स्ट इज योर टमाटो, टी ओ, टोमेटोज का टी ओ एम ए टी ओ ई एस, टमेटोज. मैंगो का मैंगोज, मॉस्किटो मच्छर जो होता है मॉस्किटोज, हीरो का तो जैसे मैं पढ़ा ही चुकी बेटा, हीरोज, हियर, राइट, सॉरी ये बम्बूज का गलत हो गया बेटा, बम्बूज का इसमें आएगा बैम्बू, बी ए एम बी डबल ओ, बैम्बू का बम्बूज, बी ए एम बी डबल ओ एस. ओके, क्योंकि थ्री वॉवल्स कभी भी साथ नहीं आते हैं, डो पहले से ही है, सॉरी टू राइट दिस, गलती से लिख दिया. फाइन, नाउ सी देर अगेन सम नाउन्स, नाउन्स विच एंडिंग इन ओ, बट उसका हम एस जोड़ के भी प्लूरल बना सकते हैं और ई एस, एज वी डिड इन द रूल विद द नाउन्स दैट एंडिंग विद एफ. ओके, जैसे कार्गो, कार्गो होता है बेटा जो सामान ढोने वाली चीज़ें होती हैं उनको, सामान को कहते हैं कार्गो, ठीक है ना, जैसे मालगाड़ी को कार्गो ट्रेन बोलेंगे, है ना, कार्गो शिप होती है तो वो कार्गो वाली कहलाएगी, नॉर्मल पैसेंजर जिसमें बैठते हैं उसको पैसेंजर. तो कार्गो का कार्गोज भी ठीक है एस जोड़ के, या ओ में ई एस जोड़ के, बोथ विल बी करेक्ट. वोल्केनो, वोल्केनो को ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है बेटा, ज्वालामुखी जो इरप्ट करता है, तो इसका वोल्केनोज भी ठीक है, और वोल्केनोज और वोल्केनोज भी ठीक है, बोथ विल बी करेक्टेड. फाइन, नाउ हियर यू हैव टू कीप ऑल दिस थिंग व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ, इनको आपको ज़्यादा या बिकॉज ऑल आर इरेगुलर वर्ड्स, जिसमें हमने ये एस या ई एस जोड़कर, इनमें एस या ई एस जोड़कर हम कभी भी इनका प्लस नहीं, ना तो आई ई एस जोड़ते हैं ना ही वी ई एस जोड़ते हैं, हम कुछ नहीं जोड़ते, ये रूल नहीं चलेंगे इनमें. ओके, व्हाट वी विल डू हियर, देर इज़ सम चेंजेस, स्पेसिफिक रूल होते हैं कुछ चेंज करने के सिंगुलर टू प्लूरल. जैसे ऑक्स का लास्ट लेटर एक्स है, हिसिंग साउंड है, बट ऑक्स ओनली फॉक्स का तो फॉक्सिस हो सकता है बेटा आपका, ठीक है, बट ऑक्स का ऑक्सिस नहीं होगा, ऑक्सिस इज रॉन्ग, इट विल बी ऑक्सन, ई एन जोड़ना है आपको. फुट, यहाँ पे देर वी हाउ टू मेक द प्लूरल, जैसे एक फुट एक पैर को कहते हैं, वन फुट मतलब एक पैर, और दोनों पैरों को हम बोलेंगे प्लूरल, तो यहाँ पे जो डबल लेटर है आपके वोवल्स, उसको वोवल को चेंज कर रहे हैं, एस या ई एस नहीं जोड़ रहे, तो फुट का फीट,
मैन, एम ए एन, इसमें ए को जोड़कर इसको मैन बोलेंगे और इसको मैन जल्दी से बोलेंगे. ई में चेंज किया, देखिए वोवल, आई हैव जस्ट चेंज द वोवल ऑफ द सिंगुलर वाइल मेकिंग द प्लूरल. आपने ए को ई में प्लूरल में चेंज करते हैं. चाइल्ड का टोटली चेंज होता है, चाइल्ड का चाइल्ड्स कभी नहीं होता, दिस इज रॉन्ग. चाइल्ड का हमेशा चिल्ड्रन होता है, वी हैव टू एड चिल्ड्रेन ई एन, जस्ट लाइक ऑक्स का ऑक्सन होता है, इसमें चाइल्ड का चिल्ड्रन. ओके, गूस, गूस होता है बेटा हंस, इट्स अ काइंड ऑफ बर्ड वाइट इन कलर. गूस का यहाँ पे डबल ओ वोवल है, उसमें डबल ओ को हम चेंज करते हैं डबल ई में, गीस. ठीक है, टूथ एक दांत, तो टूथ को हम करते हैं टिथ में. तो हैव यू सीन, वी हैव जस्ट चेंजेस द वोवल्स, डबल ओ को डबल, रेस्ट ऑफ द स्पेलिंग विल रिमेन द सेम. माउस एक चूहा, इसमें टोटली चेंज है, माउस विल बिकम माइस. सेम यर वू मैन, इसको वू मैन बोल रहे, तो मैन का हमने ए को बदला था, सेम इसको हम पढ़ेंगे वी मैन. इसको कभी भी आपको वू मैन नहीं पढ़ना है, इट इज़ वी मैन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज वी मैन. तो यहाँ पे ए को हमने किस में बदला बेटा, ई में. फाइन, तो ये वर्ड्स आपको याद रहे, ऑक्स विल बी ऑक्सन, फुट का फीट, मैन का मैन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, गूज का गीज, टूथ का टीथ, ओके, माउस का माइस, एंड वुमेन का वीमेन. ठीक है बेटा, वी हैव सी हियर, हमने कहीं पे भी एस सी आई एस जोड़कर इनका प्लूरल नहीं बनाया सिंगुलर में ना, यहाँ पे किसी के पीछे भी हमने एस सी आई एस नहीं जोड़ा. व्हाट वी डिड हियर, वी हैव चेंज द वोवल्स, हमने यहाँ पे किसको चेंज किया है, चेंज द वोवल्स, है ना, लिटिल बिट स्लाइटला वोवल्स में चेंज हुआ है. आप देखिए इन सब के डबल ओ को डबल ई में, राइट. नाउ सी, देयर आर सम नाउन्स विच इज रिमेन सेम इन सिंगुलर एज वेल एज इन प्लूरल, वो सिंगुलर में भी वही रहता है, प्लूरल में भी वैसा ही यूज होता है. ठीक है, दे आर सम नाउन दैट हैव द सेम फॉर्म, सिंगुलर में भी सेम फॉर्म है और प्लूरल में भी. ठीक है, जस्ट लाइक शीप, वन शीप को भी शीप बोलेंगे, मैनी के लिए भी शीप ही होगा. ठीक है, शीप्स कुछ नहीं होता, दिस इज रॉन्ग, शीप का शीप ही रहेगा, वन के लिए भी शीप, मैनी के लिए भी शीप. सेम डियर, एक हिरन को भी डियर बोलेंगे, मैनी को भी डियर, डियर्स नहीं होगा, देयर विल नो डियर्स. ठीक है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. फिश का फिश भी ठीक है और फिशेज भी ठीक है, फिश को फिश भी सही लिखते हो, इसमें ई एस जोड़ के फिशेस कर सकते हैं. बाल, हेयर जो होता है उसको हेयर ही कहा जाएगा, हेयर को हमेशा हेयर ही कहा जाएगा, हेयर्स नहीं होता है, दिस इज़ रॉन्ग, हेयर का कभी भी हेयर्स नहीं होता है, अनकाउंटेबल में है ये. देन सी, जितने भी सीरियल्स होते हैं, जस्ट लाइक आपका इसके अलावा बताया था फर्नीचर, जो लकड़ी का सामान, बेड, चेयर, टेबल, ये सब फर्नीचर में आता है, फर्नीचर्स नहीं होता, ये फर्नीचर ही रहता है. हेयर का जैसे मैंने बताया राइस, जो भी खाने के सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स होते हैं अनाज, गेहूँ, वीट, राइस हो सकता है, वीट हो सकता है ना, मेज हो सकता है, दैट इज़ योर मक्का, ये सब सिंगुलर में ही यूज़ होंगे, इनका कभी प्लूरल नहीं होता. शुगर का शुगर्स नहीं हो सकता, शुगर, जितने भी मसाले हैं आपके, टी, कॉफ़ी, स्टार्स, मिल्क, वाटर, है ना, जूस, जो भी लिक्विड थिंग्स होती हैं, है ना, द थिंग्स विच आर लिक्विड, लिक्विड में जो चीज़ें होती हैं उनको कभी भी गिना नहीं जा सकता, तरल पदार्थ, ना, जूस हो आपका, इवन ऑयल, जितने भी ऑयल्स होते हैं आपके, उनको कभी काउंट नहीं किया. ऑयल, यहाँ मैंने ऑयल्स तो कर दिया, बट ऑयल में अगर लिखा होगा ऑयल, तो ऑयल्स नहीं होगा. ठीक है, मस्टर्ड ऑयल, ऑल काइंड ऑफ ऑयल्स, तो बात करेंगे तो तेल जो होता है वो भी हमेशा सिंगुलर में मानते हैं हम उसको, है ना, वन लीटर, जो भी चीज़ें लीटर या क्वान्टिटी में आती हैं, जैसे के जीज में, है ना, या जितने भी मसाले हैं, टर्मेरिक पाउडर और द कोरिएंडर पाउडर, तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते, ऑल आर अनकाउंटेबल, और वो हमेशा सिंगुलर ही रहेगी. फाइन बेटा, इस चीज़ को आपको ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, बिकॉज दिस इज़ टोटली न्यू फॉर यू. तो वट एवर आई हैव टॉट हियर, काइंडली रीड इट अगेन एंड अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके.